channel. Exercise 4.1, question number 1. Complete the last column of table. तो ये आपको कॉलम दिए हुए हैं जहाँ पे एक साइड इक्वेशन लिखी है, दूसरी साइड वैल्यूज, तीसरी में हम बताएंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो वो देखते हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमारे पास है x+3 = 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है x+3 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x = 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x की जगह 3 पुट किया तो आंसर क्या आया, 3+3 = 6। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 6 और राइट हैंड साइड का आंसर आया 0, तो ये नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसको हम नो लिख देंगे। रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो पहले का आंसर है नो, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, x+3 = 0। तो इस पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है x+3 और राइट हैंड साइड क्या गिवन है, राइट हैंड साइड दिया है 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x = 0। तो आंसर क्या है हमारे पास, 0+3 = 3। तो इसका मतलब जो 3 है वो भी राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नो। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में है x+3 x = -3। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे x+3 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, राइट हैंड साइड पे गिवन है = 0। तो इसको भी पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है x+3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे x = -3। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे, -3, तो ये आ गया -3+3, तो ये आंसर आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0 और राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल है, 0 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यस। तो थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा यस। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में है x-7 = 1 और x = 7। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, इस पे गिवन है x-7 और राइट हैंड साइड पे गिवन है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की जगह 7। जब x की जगह 7 पुट किया तो आंसर क्या आया, 7-7 = 0। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आया और राइट हैंड साइड 1, जो नॉट इक्वल है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, नो। पार्ट देखते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है x-7 = 1। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड देखते, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x-7 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करेंगे, x-7 में पुट कर देंगे x = 8। तो इसमें x = 8 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, जहां जहां x है हम क्या लिख देंगे, 8। तो ये आ गया 8-7 = 1। तो आंसर क्या आया हमारे पास, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है जो 1 के इक्वल है
और राइट हैंड साइड वो भी 1 के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? यस। तो इसका आंसर है यस। आगे सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में है 5x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है 5x और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है 25। तो x की जगह 0 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जहाँ x है वहां पे 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जो है राइट हैंड साइड के 25 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नो। तो यहाँ पे आंसर आ गया नो। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। तो सेवेंथ पार्ट में है 5x इज इक्वल टू 25 पुट x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है 5x, राइट हैंड साइड पे गिवन है 25। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 5 पुट कर देंगे। तो ये आंसर आ गया 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो ये जो 25 है वो 25 के इक्वल है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। ऐसे ही एट्थ पार्ट देखते हैं। तो एट्थ पार्ट में है 5x इज इक्वल टू 25, तो उसमें भी पुट करेंगे x की जगह -5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 25। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह क्या पुट कर देंगे? -5। तो ये आ गया 5 इंटू -5 -25। तो ये जो -25 है वो नॉट इक्वल टू है 25, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ गया? नो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। m by 2 is equal to 2, m is equal to -6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है? m by 2 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है? -6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम m की जगह क्या पुट कर देंगे? -6। तो ये आ जाएगा -6 by 2 -3। तो जो -3 है वो राइट हैंड साइड के -6 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? नो। टेंथ पार्ट देखते हैं। टेंथ पार्ट में है m by 3 is equal to 2 और m is equal to 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे m by 3 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो ये आ गया 0 by 3 is equal to 0। तो ये आंसर आ गया 0, जो राइट हैंड साइड के नॉट इक्वल है, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 2 के है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। ऐसे ही 11th पार्ट देखते हैं। m by 3 is equal to 2, m is equal to 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है m by 3, राइट हैंड साइड पे गिवन है 2। तो m की जगह क्या पुट कर देंगे? 6। तो यहाँ पे m है वहां पे 6 कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आया? 2। जो 2 है वो राइट हैंड साइड के 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? यस।